एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि विदाउट फाउंडेशन आप किस तरह से मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका मेकअप समर्स में सीने से बह जाता है, काला पड़ जाता है या फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जिनको यूज करके आपका मेकअप रहेगा लॉन्ग लास्टिंग और पसीने से भी नहीं हटेगा। सो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किया है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना है लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। यहाँ पर मैंने लिया है लैक्मे का मॉइस्चराइजर। डोडोट के फॉर्म में पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैंने लिया है ब्लू फ्यूसन का इन्फलिएबल गोल्डन मैट प्राइमर। यह आपके ओपन पोर्स को फिल इन करता है, साथ ही आपकी स्किन को सूदन आउट बना देता है। अगर आपके पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो आप उसके रिप्लेस पे एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया है मिस क्लियर का ब्राउन आईब्रो पेंसिल। ब्राउन आईब्रो पेंसिल स्पेशली समर्स के मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। ये एकदम नेचुरल फिनिश देता है और इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, पसीना बहुत आता है, सो उसके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होती है। और साथ ही इसके टॉप पे आपको ब्रश भी मिल जाता है, सो आप फिल इन करने के बाद अपने आईब्रोज़ को अच्छे से कॉम्ब कर लें, सो इससे आपके आईब्रोज़ एकदम नेचुरल लुक लगता है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया है ब्लू फ्यूसन का कंसीलर और अपनी आईब्रोज़ के लोअर और टॉप पार्ट पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है। साथ ही मैंने अपनी आई लिड पर भी कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। इससे जो मेरी आईब्रोज है वो एकदम क्लीन लगेंगी, एकदम पॉप आउट होके आएंगी। और आई लिड पर मैं जो कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, इसके दो बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट होगा कि जब भी मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी उसका ओरिजिनल कलर पॉप आउट होके आएगा। और सेकेंड, अगर आप आई शेडो नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ऐसे भी अपने आईज़ को छोड़ सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा फिनिश मिल जाता है। अगर आपके पास ब्रश या कुछ नहीं है तो आप इस तरह से फिंगर की हेल्प से भी आप इसको स्मज कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद मैंने लिया है हुडा गर्ल का आई शेडो पैलेट। यहाँ से मैंने लिया है लाइट पिंक कलर का शेड और अपनी क्रीज लाइन से लोअर की साइड अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही शेड से अपनी जो आई शेडो है उसको यूज़ करूँगी, क्योंकि स्पेशली समर्स में आप जितना कम मेकअप करेंगे उतना ही वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। उसके बाद मैंने लिया है गोल्डन कलर और अपने आईब्रोज़ के लोअर पार्ट पे इसको अप्लाई कर लिया है। साथ ही मैंने अपने लोअर लैश लाइन पर भी इसको अप्लाई किया है, जिससे मेरी आईज़ का एक बहुत ही अच्छा लुक लगेगा और मेरी आईज एकदम ओपन अप लगेंगी। दोनों आईज पे क्रिएट कर लिया है मैंने। ये बहुत ही सिंपल आई मेकअप लुक है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तब भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है आई लैशेज कर्लर, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल मेकअप होने वाला है तो इसमें मैंने कोई भी फॉल्स आई लैशेज भी यूज़ नहीं किया है। आई लैशेज कर्लर से मैंने अपने दोनों आई लैशेज को कर्ल कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है प्लम का काजल और अपने लोअर और अपर वाटर लाइन पे काजल को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। काजल आपको प्रेजेंटेबल दिखाता है, साथ ही ये बहुत ही बहुत ही अच्छा लुक आपके आईज़ को देता है। सो यहाँ पे मैंने लोअर और अपर दोनों वाटर लाइन पे काजल अप्लाई किया है। इससे मेरी जो काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और स्मज प्रूफ भी रहेगी। उसके बाद मैंने लिया है ब्लू फ्यूसन का मस्कारा और अपनी दोनों आईज़ पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। मस्कारा से आईज़ एकदम ओपनड अप लगती हैं और एकदम बहुत ही आईज़ का लुक प्यारा लगता है। उसके बाद मैंने लिया है बीबी क्रीम। अगर आप फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं सो अपने मेकअप को फ्लॉलेस दिखाने के लिए आप बीबी या फिर सीसी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक बहुत ही अच्छी फिनिश मिल सकती है। यहाँ पर आप ब्रश की हेल्प से भी इसको स्मज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको फिक्स करने के लिए लिया है लैक्मे का फेस पाउडर और ब्रश की हेल्प से मैंने अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर लिया है।
उसके बाद यहाँ पे मैंने मिस प्रियर का अगेन पैलेट लिया है और यहाँ से मैंने हल्की स्माइल के साथ ब्लश को अप्लाई किया है। उसके बाद फैन ब्रश से मैंने हाइलाइटर लिया है और ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, चीक्स पर, चिन पर हाइलाइटर को मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद अगेन मैंने लिया है मिस क्लियर का लिप लाइनर। इसका शेड है मेरून और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही आसानी से मैंने अपने लिप्स पर बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है अगेन ब्लू फ्यूसन का लिपस्टिक, ये पिंक शेड में है। क्रॉस बनाते हुए अपनी क्यू टिप से और अपने पूरे लिप्स को फिल इन कर लिया है। लिप्स पर लिपस्टिक अच्छे से कैसे लगाएं इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वो भी ज़रूर देखें। उसके बाद मैंने ब्लू फ्यूसन के फिक्सर से ही अपने पूरे मेकअप को अच्छे से फिक्स कर लिया है और ये है मेरा फिनिश्ड मेकअप लुक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना नेचुरल लुक आया है। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो करना है लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब ऐसी और भी ब्यूटी वीडियोस देखने के लिए। और मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।